एमएस एक्सेस के शॉर्टकट्स देख रहे हैं, जैसे हम इसमें देख रहे हैं कि F2, F2 क्या यूज़ होता है, एडिट टू यूज सिलेक्टेड सेल। जैसे हमने इसके लिए इधर कमांड लिख लिया और हम इसको एडिट करना चाह रहे हैं, तो अभी हमें डबल क्लिक करके एंटर करना पड़ेगा एडिट के लिए, मगर नहीं, हम कीबोर्ड से ही जा सकते हैं। जैसे ही हम F2 प्रेस करेंगे तो इसी के अंदर कंट्रोल आ जाता है। ये हुआ एडिट के लिए। फिर इसमें अल्ट प्लस एंटर, जैसे ही हम अल्ट प्लस एंटर दबाते हैं, हमने अल्ट दबाया है, एंटर दबाया है, और हम देखेंगे कि इसमें हम उसी सेल में न्यू लाइन लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। वेरी नाइस, ठीक है। फिर दोबारा दबाएंगे हम अल्ट प्लस एंटर, तो देखो न्यू लाइन बन गया है। गुड। अब इसके बाद आया है कि कंट्रोल प्लस होम। जैसे हम कंट्रोल और होम दबाते हैं तो कंट्रोल हमारा यहाँ उसी सेल में बिगिनिंग में आ जाता है, और जैसे हम कंट्रोल प्लस एंड दबाते हैं तो कंट्रोल हमारा एंड में आ जाता है। इसके बाद है कंट्रोल प्लस डी। कंट्रोल प्लस डी है तो कंट्रोल प्लस डी बहुत यूज़फुल यूज़ होने वाली कमांड है। कंट्रोल प्लस डी का मीनिंग है कि देखो, जैसे कंट्रोल प्लस डी मैंने यहाँ लिखा है, इसके नीचे मैं कंट्रोल लाता हूँ और उसके बाद मैं कंट्रोल प्लस डी दबाता हूँ। आप इसके ऑन स्क्रीन कीबोर्ड से देख रहे होंगे, जैसे मैंने कंट्रोल और डी दबाया तो वो ऊपर वाला पेज SH नीचे हो गया। मैं दोबारा दिखाता हूँ, कंट्रोल और प्लस डी SH, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है कंट्रोल प्लस F1। तो कंट्रोल प्लस F1 का यूज़ होता है रिबन, ये ऊपर ये रिबन शो हो रहा है, इसको हाइड और शो करने के लिए। जैसे मैं कंट्रोल और F1 दबाता हूँ ये F1, तो ये रिबन गायब हो गया है। फिर मैं कंट्रोल और F1 दबाया तो रिबन वापस आ गया है। इसके बाद आता है ऑल्ट। जैसे ही मैं ऑल्ट दबाता हूँ तो यूज टू ऑल्ट दबाया, यहाँ मैं ऑल्ट दबा रहा हूँ, आप देखोगे जैसे मैंने ऑल्ट दबाया तो रिबन के सारे शॉर्टकट शो हो गए। आपने देखा होगा रिबन के सारे शॉर्टकट शो हो गए हैं। अब इनका यूज़ क्या है कि जैसे नीचे दिया है ऑल्ट HO+I, यानी कि ऑटो साइज करने के लिए यूज़ होता है। किसी भी कॉलम को ऑटो साइज, मैंने कंट्रोल यहाँ दिया है और इसको मुझे ऑटो साइज करना है, तो मैं क्या दबाऊँगा, मैंने क्या दबाया है, ऑल्ट दबाया है, इसके बाद क्या दबाना था, H दबाना था, यानी कि ऑल्ट दबाया है, फिर क्या H, आप देख रहे होंगे यहाँ सारा दिखाई पड़ रहा है, H दबाया है, फिर क्या है, O दबाया है, फिर क्या है, फिर I दबाया है, तो ये ऑटो साइज हो गया खुद से। इसी तरह से नीचे कमांड है ऑल्ट HBA, यानी कि ऑल बॉर्डर के लिए, ऑल बॉर्डर, इसमें सारे के सारे बॉर्डर आ जाएंगे, ऑल बॉर्डर के लिए यूज़ करेंगे। इसके बाद है, और इससे भी इम्पोर्टेंट है, ऑल्ट HFF फॉन्ट टाइप एंड एंटर। तो इसमें ऑल्ट H, अभी हम ऑल्ट दबा रहे हैं, ऑल्ट, इसके बाद हम ऑल्ट के बाद क्या दबाएंगे, H, ऑल्ट H, फिर F, अब फॉन्ट टाइप में आप देख रहे होंगे यहाँ फॉन्ट टाइप में आपको एरियल ब्लैक ब्लू हो गया है, तो इसमें आप मान लो कुर्ती देव करना है, तो यहाँ से हमने कुर्ती देव कर दिया। फिर क्या करेंगे, एंटर कर देंगे तो इसमें कुर्ती देव आ जाएगा, आपने यहाँ देखा होगा कुर्ती देव। अभी हमें कीबोर्ड से फिर चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, ऑल्ट, फिर ऑल्ट के बाद क्या प्रेस करना है, अभी ऑल्ट HFF फॉन्ट टाइप, उसमें हमने फिर एरियल भर दिया है, एरियल भरेंगे जो भी हमें लेना है और फिर एंटर कर देंगे तो एरियल हो गया। इस टाइप से हम इसको चेंज कर देते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट है कि कंट्रोल और बैक स्पेस। तो यूज टू शो एक्टिव सेल, की एक्टिव सेल कौन सी है ये शो करने के लिए कौन सी कमांड यूज होती है, ऑल्ट और बैक स्पेस। तो बैक स्पेस में ये है, तो अभी हमें पता चल जाएगा एक्टिव सेल कौन सी है। बाय द वे हमने एक्टिव सेल की 1 बनाई हुई है, अभी दोबारा से जा रहे हैं, क्या क्या बताया था एक्टिव सेल के लिए, कंट्रोल और फिर बैक स्पेस, तो हमें उसमें बता दिया कि ये एक्टिव सेल है, ठीक है। इसके बाद क्या था, कंट्रोल और स्पेस बार सेलेक्ट इंटायर कॉलम। तो हम मान लो ये ले रहे हैं, यहाँ हमारा कंट्रोल है, अब इसको हमें पूरे कॉलम को सेलेक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल और स्पेस बार करेंगे, पूरा कॉलम सेलेक्ट हो गया है। अभी हमें क्या करना है कि यहाँ से पूरी रो सेलेक्ट करनी है, तो हम फिर क्या करेंगे, अभी यहाँ से ध्यान, अभी हमें रो, इंटायर रो, तो इसमें शिफ्ट के साथ दबाएंगे क्या, स्पेस बार, तो पूरी की पूरी रो हमारी सेलेक्ट हो गई है। इसके बाद हमें क्या है कि कंट्रोल प्लस का साइन, तो कंट्रोल के साथ जब हम प्लस दबाते हैं तो यह है हमारा क्या कर देता है, यहाँ से ध्यान देंगे, इंसर्ट रो कॉलम और जो भी हमें, तो कंट्रोल शिफ्ट और यहाँ से क्या बना दिया हमने, प्लस, तो यहाँ
एक रो ऐड हो गई, अभी हम इसको रिमूव करना है, तो फिर हम क्या करेंगे, कंट्रोल और माइनस, रिमूव हो गई है, कंट्रोल प्लस पेज अप, तो ये क्या करता है, यूज टू गो बैक वर्ड बिटवीन वर्कशीट, वर्कशीट के बीच में गो जाने के लिए, और फिर इसमें क्या है कि जो वर्कशीट है, कंट्रोल प्लस पेज डाउन, ये क्या करता है, यूज टू गो फॉरवर्ड बिटवीन वर्कशीट, यानी कि वर्कशीट है तो इसमें आगे पीछे जाने के लिए होता है, तो हम इसको भी एक बार इसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो कंट्रोल और पेज डाउन, आप देखोगे अब F2 पे आ गया है, यहाँ कंट्रोल पहले F, अब देखेंगे कंट्रोल और पेज अप, पेज अप तो अब 2 में आ गया, यानी कि यहाँ क्या हो रहा है कि ये वर्कशीट में फॉरवर्ड और बैकवर्ड जाने के लिए है ये जो कमांड है, ठीक है, आपने यहाँ से देखा है इधर से। इसके बाद हम नेक्स्ट की बात करते हैं, कि ये तो बहुत यूज़ होने वाली कमांड है, कि क्या कंट्रोल प्लस एरो ई, तो यूज टू मूव सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट के सिलेक्शन के लिए यूज़ होती है, कि जैसे हम यहाँ लें, इसमें कंट्रोल हमने लिया है और हम सॉरी यहीं ले रहा है इसी के अंदर, अब हम क्या देख रहे हैं, कंट्रोल प्लस एरो की, तो हमने कंट्रोल दबाया है और एरो की, एरो की कंट्रोल को प्रेस करके रखना है, कंट्रोल और एरो की जैसे हम चलाएंगे तो यह क्या करेगा, टेक्स्ट सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल एरो की, और इसके बाद है कि कंट्रोल प्लस ड्रैग, कंट्रोल प्लस ड्रैग का क्या कार्य होता है कि हमने कंट्रोल दबाया और फिर ड्रैग कर दिया, इसको ड्रैग कर दिया है कंट्रोल दबाने के बाद, ये कंट्रोल और फिर हमने ड्रैग कर दिया इधर को, तो ये न्यू इसकी कॉपी बन जाती है, कॉपी बन गई है, F2 की बन गई कि नहीं बन गई, जो F2 है उसकी कॉपी बन गई किससे, कंट्रोल। अब इसके बाद है कंट्रोल प्लस कॉलन, तो कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन, जैसे हम लगा रहे हैं तो इसमें क्या करेगा, करंट डेट, तो हमने देखा यहाँ हमने लगाया है कंट्रोल और वो लगाया तो करंट डेट दे दिया है, फिर हमने नेक्स्ट में नीचे लिया है कंट्रोल और कंट्रोल के साथ फिर हमने शिफ्ट दबा के ये दबाया तो ये हमारा टाइम दे दिया है इसने। इसके बाद ये बड़ी सबको कंट्रोल प्लस ए सारा सेलेक्ट करने के लिए, कंट्रोल प्लस बी बोल्ड करने, कंट्रोल प्लस सी कॉपी करने के लिए, वी पेस्ट करने के लिए, एक्स कट करने के लिए, ओपन करने के लिए, एन ओपन करने के लिए वर्कशीट, सॉरी F क्या है फाइंड करने के लिए, H क्या है रिप्लेस करने के लिए, Y क्या है रीडू, कंट्रोल Z क्या है अंडू, कंट्रोल I इटैलिक, कंट्रोल K टू मेक अ हाइपरलिंक, इसको हम समझते हैं कंट्रोल प्लस के एक हाइपरलिंक बनाने के लिए, मान लो हमें किसी चीज़ को हाइपरलिंक बनाना है, वहाँ लिंक जोड़ना है, जैसे मुझे इसको बनाना है तो मैं कंट्रोल और प्लस K करूँगा तो ये लिंक बन जाएगा, हाइपरलिंक बन जाएगा, वो आप देखोगे वो हाइपरलिंक बन जाएगा। इसमें हम कंट्रोल प्लस के देख रहे हैं, तो जैसे ही हम इसको टिक करके इस पर कंट्रोल कंट्रोल और प्लस के लगाते हैं तो ये पॉपअप खुल के आता है कि इस लिंक पे आप क्या खोलना चाहते हो, तो जैसे मैंने ये लगा दिया है कि अब हम क्या करेंगे, इस पर ये लिंक लग गया कि जैसे ही हम इसे टिक करेंगे तो इससे वो फाइल खुल जाएगी जो हमने इससे लिंक की है, हाइपर लिंक से जोड़ दिया है कंट्रोल प्लस, देखो मैं खोल के दिखाता हूँ, तो ये इस तरह से वो फाइल खुल जाएगी जो हमने उससे लिंक की है, वो फाइल यहाँ खुल जाएगी। फिर हम देख रहे हैं के कंट्रोल प्लस के हुआ, इसके बाद नेक्स्ट कंट्रोल प्लस टी टेबल बनाने के लिए, यू अंडरलाइन ये सब, अब कंट्रोल शिफ्ट प्लस टैब, अब हम टैब देखते हैं, टैब का हम यूज़ करते हैं, तो जैसे हमारे पास कंट्रोल यहाँ है हम टैब करेंगे तो कंट्रोल आगे चला गया, अब यहाँ आ गया है, टैब दबाएंगे कंट्रोल आगे चला गया, मगर अब हम क्या करेंगे, जब शिफ्ट के साथ हम टैब लगाते हैं तो शिफ्ट दबाते हैं और उसके बाद हम टैब दबाते हैं तो कंट्रोल पीछे आ जाता है, शिफ्ट टैब पीछे आ गया, कंट्रोल शिफ्ट टैब यानी कि पीछे लाने के लिए। इसी तरह से हम एंटर, यदि हम एंटर यूज़ करें तो ये कंट्रोल नीचे आ जाता है, एंटर नीचे, अभी हमें कंट्रोल ऊपर ले जाना है कि प्रीवियस सेल में ले जाना हो तो हम क्या करेंगे, इसको शिफ्ट के साथ एंटर करते हैं, शिफ्ट के साथ जैसे ही एंटर किया ऊपर चला गया, एक बार दोबारा देखो शिफ्ट और एंटर ऊपर चला गया, शिफ्ट एंटर ऊपर चला गया, ये हुआ। अब इसमें है कंट्रोल प्लस माउस व्हील, ये जूम करने के लिए यूज़ होता है, जैसे हमने कंट्रोल दबाया और माउस व्हील चलाया तो ये देखोगे आप जूम हो रहा है, जूम 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 करने के लिए यूज़ होता है कंट्रोल कंट्रोल प्लस माउस व्हील। अब कंट्रोल
स्क्रॉल छोड़ा, फिर हम देखेंगे ये वही काम कर रहा है स्क्रॉलिंग का, ऊपर नीचे स्क्रॉलिंग का। मगर कंट्रोल दबा सिर्फ सॉरी ये हमने कंट्रोल दबाने के बाद माउस व्हील का यूज़ किया तो वो जूम करता है। इसके बाद आता है F1। जैसे ही हम F1 यूज़ करते हैं तो हम देखेंगे हमने F1 दबाया, हमने बताया था F1 जैसे प्रेस करें तो ये हमारी हेल्प की विंडो खुल के आ जाती है। इस तरह से हम F4 यूज़ कर रहे हैं तो F4 क्या होता है कि मान लो हमने यहाँ कोई एडिट लगाया हो तो प्रीवियस F4 क्या होता है, प्रीवियस एडिट को मैंने इसके ऊपर क्या किया है, मैंने इसे बोल्ड कर दिया है, इसका साइज़ बढ़ा दिया है, साइज़ मैंने इसका बढ़ाया है, ठीक है, साइज़ मैंने बढ़ा दिया। और अब मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ कुछ लिख दिया है, मैंने लिख दिया है चौधरी लिख दिया है, ठीक है मैंने चौधरी लिखा है। अब इसमें मैं यदि इसके ऊपर कंट्रोल ले जाके और मैं F4 प्रेस करता हूँ तो ये जो हम एडिट यानी कि इसके साइज वाले इसकी एडिटिंग इस पे आ जाती है, लास्ट एडिटिंग। अब इसमें F5 होता है यूज टू गो टू स्पेसिफिक सेल, जैसे मैं F5 प्रेस करूँगा तो हम एक स्पेसिफिक सेल पर चले जाएंगे जिसपे हमें जाना है। इसके बाद मैं नेक्स्ट बताना चाहूँगा।